बीजेपी ने अपने 3 उम्मीदवार राज्यसभा के लिए खड़े किए हैं। इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है कांग्रेस के नेता सिद्धार्थ पटेल। उन्हीं से पूछते हैं, सर बीजेपी ने अपने 3 कैंडिडेट को खड़ा किया, क्या कहेंगे? बीजेपी ने तीसरा कैंडिडेट खड़ा किया है, ये बता रहा है कि बीजेपी यहाँ इस राज्यसभा के चुनाव में भी खरीद फरोख की राजनीति करने जा रही है। लोकशाही के तमाम मूल्यों को एक किनारे रख के उन्होंने सिर्फ अपने उम्मीदवार को जिताना यही लक्ष्य रखा है, तो स्वाभाविक रूप से ये सारी कोशिश उनकी तरफ से होगी। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि कांग्रेस अकबंद रहेगी, कांग्रेस का एक एक धारा सभ्य पक्ष की नीति और निर्णय के साथ में रहेगा और कांग्रेस के दोनों उम्मीदवार अच्छी तरह से विजयी बन के बाहर आएंगे। सर लेकिन कहीं ना कहीं आपने पाटीदार कैंडिडेट की मांग की थी और बीजेपी ने पाटीदार जो तीसरा कैंडिडेट है वो नरहरि अमीन को आप ही के पुराने साथी को आप ही के सामने खड़ा कर दिया है। मांगे तो धारा सभ्यों की हो सकती है, उन्होंने पार्टी को अपनी मांगे रखी भी थी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो मांग के बाद अगर पार्टी ने कोई निर्णय कर लिया है तो मैं समझता हूं कि वो सारे धारा सभ्य पार्टी के निर्णय को साथ में लेके चलेंगे। सर क्या अब कांग्रेस अपने विधायकों को बचाने के लिए कहीं ले जाएगी, क्योंकि उनके पास 3 ही विधायक अब कम हो रहे हैं? देखिए ये उन्होंने तीसरा कैंडिडेट बीजेपी ने जब खड़ा किया है तो एक बात स्पष्ट हो गई है कि भारतीय जनता पक्ष फिर से एक दफा खरीद फरोख की राजनीति करने जा रहा है। कई प्रकार के सत्ता में बैठे हैं, कई प्रकार के दबाव उनके आएंगे, तो स्वाभाविक रूप से इन दबाव से बचाने के लिए पार्टी को अगर ज़रूरत पड़ी, कुछ निर्णय लेना पड़ा तो हम उनको ले जाने का भी निर्णय कर सकते हैं। अभी कुछ किया नहीं है, हम परिस्थिति को देखेंगे और उसके बाद में निर्णय करेंगे। लेकिन आपका कहना है कि खरीद फरोख हो सकती है? उन्होंने तीसरा कैंडिडेट खड़ा किया है यही बता रहा है कि उनकी कोशिश रहेगी। मैं नहीं मानता कि उनकी कोशिश के बावजूद भी वो उसमें सफल होंगे, ऐसा मैं नहीं मानता। चलिए ये थे सिद्धार्थ पटेल, जिनका कहना है कि 3 कैंडिडेट खड़े करना का मतलब ही सीधा सीधा होता है कि बीजेपी अब खरीद फरोख की राजनीति करेगी। कैमरामैन उज्ज्वल ओझा के साथ गोपी घांगर, गांधीनगर।